सूरज हमारे लिए शरीयत ने हर चीज़ में रहनुमाई रखी है, और ये सूरज ग्रहण होना, चांद ग्रहण होना, ये भी अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि इन शम्स वल क़मर आयतान मिन आयातिल्लाह, ये सूरज चांद अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ला यक्सिफान लिमौत अहदिन वला लिहयातिही, किसी के मरने जिंदा होने पर तो इनको ग्रहण नहीं लगता है, वैसे अल्लाह जब चाहते हैं हर एक काम करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे मौके पर एक अमल दिखाया है कि जब ऐसे हालात देखूं, यानी सूरज ग्रहण हो, चांद ग्रहण हो, तो आप लोग अल्लाह की तरफ दौड़ो, मुतवज्जे हो जाओ और नमाज पढ़ें, जिक्र करें, अज़कार करें, सदक़ात करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। तो सूरज ग्रहण में नबी अलैहिस्सलाम ने इसी के मुताबिक नमाज भी पढ़ी और क़दर लंबी नमाज पढ़ी, लंबा रुकू, लंबा सजदा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज सूरज ग्रहण हुआ, तो अभी हमने मरकज़ी जामे मस्जिद में नमाज अदा की और शहर के हज़ारों मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शिरकत फरमा दी, और बाकी मसाजिद में भी मुसलमानों ने नमाज़ें अदा की। तो ये एक सुन्नत अमल है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने सुन्नत अमल किया, सलात कुसूफ जो है वो पढ़ा। और ऐसे मौके पर ख़वातीन घरों के अंदर अपनी नमाज़ें पढ़ें, ज़िक्र करें, अस्कार करें और तौबा इस्तिग़फ़ार करें, और अल्लाह ताला की कुदरत को हम माने, और आखिरत पर हमारा यकीन होना चाहिए कि जब आज अल्लाह ने सूरज को कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा या जिस कदर भी है अल्लाह बेनूर कर सकता है, तो अल्लाह ताला ये पूरे कायनात के निज़ाम को लपेट भी सकता है, और क़यामत के करीब ऐसा ही होगा।